क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 27 है, द वैल्यू ऑफ टेन 1 इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, टेन 89 तक है। तो देखो 189 का पेयर बन जाएगा, 288 का पेयर बन जाएगा, ऐसे सारे बन जाएंगे और बीच में एक टेन 45 भी बचेगा, तो उसका भी तो वैल्यू 1 ही होता है। और बाकी देखो टेन 1 और टेन 89 अगर इसमें से एक को कॉट में चेंज करेंगे, जैसे देखो टेन 1 और इंटू में कॉट कॉट 90 माइनस 89, यानी कि यहाँ हो जाएगा टेन 1 इंटू में 1 डिग्री इंटू में कॉट 1 डिग्री, तो इसका 1 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ 2 और 88, 3 और आपका 87, इस तरह से पेयर बनेंगे और सबके 1 1 1 सब प्रोडक्ट में 1 ही होंगे, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। विच ऑफ